ठीक है, यहाँ पे देखो, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट इज ट्रीटेड एज सिंगल डेटा आइटम एंड टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे? स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, कोई भी ऐसा कैरेक्टर जिसको हम लोग सीक्वेंस में अगर जोड़ दे, ठीक है, सीक्वेंस में अगर हम लोग जोड़ दे, लिखते कैसे कैरेक्टर को, सिंगल कोट के डबल कोट, सिंगल कोट, तो सिंगल कोट के अंदर अगर हम लोग कोई भी कैरेक्टर लिख देते हैं तो ये क्या बन जाता है? कैरेक्टर बन जाता है। ठीक है, इस सिंगल कोट के अंदर हम लोग कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, सिंगल कोट के अंदर हम लोग कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, या तो वो अल्फाबेट्स हो सकते हैं, या नंबर्स हो सकते हैं, या फिर सिंबॉल्स हो सकते हैं। ठीक है, थीके? तो यहाँ पे हम लोग अगर सिंगल कोट के अंदर कुछ भी दे देंगे तो कैरेक्टर होता है। अगर हम लोग इस कैरेक्टर्स के कलेक्शन की बात करें तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टर एरे बोलेंगे या फिर स्ट्रिंग्स बोलेंगे। ठीक है, आया समझ में? अगर हम लोग इस कैरेक्टर का एरे बनाते हैं, अब कैसे बनाते हैं ध्यान से देखो। ठीक है, सबसे पहले मैं कैर ले लेता हूँ सी एच, ठीक है, और इसका मैं साइज ले लूंगा। ठीक है, जैसा नॉर्मल एरे हम लोग डिक्लेयर करते हैं वैसा ही हम लोग करेंगे। ठीक है, मैं साइज इसका ले रहा हूँ 50, साइज कितना है 50। ठीक है, कैरेक्टर टाइप का है सी एच, एरे नेम है और साइज है 50। ठीक है, मैं इस टाइप का ब्रैकेट लगाऊंगा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर मैं हर एक एलिमेंट सिंगल कोट के अंदर दूंगा। ठीक है, हर एक एलिमेंट सिंगल कोट के अंदर हम लोग देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस, यहाँ पे कॉमा लगा है, सिंगल कोट लगा है, ए, फिर उसके बाद कॉमा, फिर सिंगल कोट, फिर उसके बाद आई, फिर उसके बाद सिंगल कोट, फिर उसके बाद सी, ठीक है, कॉमा, सिंगल कोट, फिर उसके बाद ओ। ठीक है, ऐसे हम लोग पूरा का पूरा एक कैरेक्टर का एक एरे हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग, कॉमा, फिर सिंगल कोट, फिर एल। ठीक है, फिर उसके बाद सिंगल कोट, ई, कॉमा, सिंगल कोट, फिर जी, और लास्ट में। ठीक है, कितने एलिमेंट्स है इसमें? एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ और 10। ठीक है, कितने एलिमेंट है इसमें? 10 एलिमेंट। ठीक है, अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे हम लोग, इस एरे को एक्सेस कैसे करेंगे? फॉर लूप से। ठीक है, जैसा हम लोग फॉर लूप से एक्सेस करते थे वैसा ही हम लोग इसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, ये तो पहला तरीका हो गया इस कैरेक्टर एरे को क्रिएट करने का। ठीक है, सेकंड मेथड, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कैर सी एच टू, और इसका साइज मैं दे देता हूँ 50। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग 50 ही दे सकते हैं। ठीक है, हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड, अब यहाँ पे जितने सिंगल कोट्स दिख रहे हैं, ठीक है, सारे को कॉमन निकाल दो। क्या करेंगे? सारे को कॉमन निकाल दो। ठीक है, राइट साइड और लेफ्ट साइड क्या बन जाएगा? डबल कोट बन जाएगा। क्या बन गया? डबल कोट बन गया। ठीक है, डबल कोट के अंदर हम लोग लिख देंगे साई कॉलेज। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? स्ट्रिंग है। क्या है? स्ट्रिंग। हम लोग इसको भी स्ट्रिंग ही बोलेंगे और इसको भी हम लोग स्ट्रिंग ही बोलेंगे। हम लोग या तो हम लोग सिंगल कोट से कैरेक्टर को सेपरेट कर सकते हैं, या तो हम लोग डबल कोट्स में एक साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? और इसका साइज क्या है? 50 साइज है इसका। ठीक है, मैक्सिमम 50। ठीक है, और हमेशा जब भी हम लोग कोई एक स्ट्रिंग बनाते हैं, इसका लास्ट कैरेक्टर नल होता है। क्या होता है? नल। ठीक है, नल मतलब होता है जैसे ट्रेन होती है, ट्रेन जानते हो? ठीक है, ट्रेन के लास्ट वाले डब्बे में से क्रॉस बना होता है। क्या मतलब होता है उसका? वो एंड ऑफ द ट्रेन होता है। ठीक है, उसको हर स्टेशन मास्टर उसको चेक करता है कि क्रॉस दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर नहीं दिखा मतलब कोई डब्बा पीछे छूट चुका है। ठीक
ठीक है। तो यहाँ पे भी जब हम लोग स्ट्रिंग बनाते हैं तो कंपाइलर बाय डिफॉल्ट इसमें स्लैश जीरो ऐड कर देता है, इसका मतलब एक नल कैरेक्टर ऐड करेगा, ठीक है। अब वो नल कैरेक्टर क्या करता है, बताता है कंपाइलर को कि स्ट्रिंग यहाँ पे एंड हो चुका है, ठीक है। तो एंड कैरेक्टर यहाँ पे हमेशा नल होगा, हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, कंपाइलर का काम है वो सब, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग डबल कोट्स के अंदर लिख लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा, ठीक है। बस एक टैग लाइन इसका याद रखना, एनीथिंग विद इन डबल कोट इज स्ट्रिंग, ठीक है। एनीथिंग विद इन डबल कोट्स इज ए स्ट्रिंग, एक टैग लाइन इसको याद रखो, स्टेटस वगैरह में डाल लेना, ठीक है। ऐसा लिख लेना मेरा नाम भी इसमें कहीं पे, ठीक है, बाय धीरेन्द्र पराते, ठीक है। ये लाइन को याद रखना, ठीक है। एनीथिंग विद इन डबल कोट्स इज ए स्ट्रिंग, अगर हम लोग इस डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिख देंगे तो वो क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के लिए, ठीक है। आया समझ में? तो डबल कोट्स में हम लोग जो भी चीज लिखते हैं वो क्या होता है, स्ट्रिंग होता है, ठीक है। मार्जिन में बड़ा बड़ा सा लिख लो, ठीक है, फूल पत्ती लगा लो, दो चार लाइट वेट लगा लो, ठीक है। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग इज एक्चुअली वन डायमेंशनल एरे इन सी लैंग्वेज, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग ए स्ट्रिंग वेरिएबल्स, ठीक है। अभी अभी जैसे मैंने बताया यहाँ पे कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले डेटा टाइप यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, कैर नेम दे दिया और साइज दे दिया 13, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ले लिए साई कॉलेज, ठीक है, डबल कोट में। तो यहाँ पे हम लोग ने जो यहाँ लिखा है ये भी वैलिड है, ठीक है। और यहाँ जो नेक्स्ट लाइन पे यहाँ लिखे कैर नेम और साइज 10, और सिंगल कोट्स में भी हम लोग यहाँ दिए वो भी वैलिड है, ठीक है। दोनों तरीके से हम लोग इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, आया समझ में? अब जब भी हम लोग इस टाइप का एरे बनाते हैं, ठीक है, जब हम लोग सिंगल कोट से सेपरेट करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को लास्ट कैरेक्टर देना कंपलसरी होता है, ठीक है। लास्ट कैरेक्टर हम लोग हमेशा क्या देंगे, नल देंगे, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे एक्सप्लिसिटली इसको क्लोज करना होता है, एक्सप्लिसिटली मतलब हम लोग को कंपाइलर को खुद से बताना पड़ता है कि ये कैरेक्टर एरे जो है इस कैरेक्टर के बाद कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और वो किसको पॉइंट करेगा, नल को पॉइंट करेगा, ठीक है। नल क्या होता है, नल क्या होता है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कैर सी एच ऑफ साइज 3, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको इनिशियलाइज किया है, अब ये बताओ कि इसमें क्या गलत है, क्या गलत है बताओ, डेटा टाइप सही है, नेम सही है, साइज सही है, और ये भी सही है, साइज दिया है 3, इसका मतलब उसके अंदर 3 कैरेक्टर्स ही हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स है, 4 कैरेक्टर्स है, ठीक है। फिर उसको करेक्ट करके यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कैर एस टी आर ऑफ साइज 4, और एस टी आर की वैल्यू क्या है, कैसे इलीगल हुआ, देखो एक चीज याद रखना, ठीक है, हमेशा कैरेक्टर को जब हम लोग क्रिएट करते हैं इनिशियलाइज भी उसी समय करते हैं, ठीक है। जब हम लोग एरे डिक्लेयर करेंगे उसी समय हम लोग क्या करेंगे, उसको इनिशियलाइज करेंगे, हम लोग अलग से हम लोग यहाँ पे नहीं करते हैं कभी भी,
जैसा हम लोग नॉर्मल वेरिएबल को कभी भी वैल्यू देके असाइन कर सकते थे, वैसा यहाँ पे हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमेशा क्या करेंगे, एक ही लाइन में उसको इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है, समझ में आया। एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन के टाइम पे ही हम लोग उसको इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है, समझ में आया। इसीलिए ये लाइन जो है वो इलीगल हो गई, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है, स्ट्रिंग को कैसे इनपुट लिया जाता है और कैसे आउटपुट में डिस्प्ले किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक इनपुट फंक्शन होता है स्कैनएफ, सभी लोग अच्छे से जानते हैं स्कैनएफ क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं परसेंट एस, क्या यूज करते हैं, परसेंट एस यूज करते हैं, ठीक है। तो परसेंट एस यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, इससे हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट ले सकते हैं रन टाइम पे, क्या कर सकते हैं, रन टाइम पे स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट हम लोग ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो कंसोल स्क्रीन होता है जहां से हम लोग इनपुट लेते हैं, वो एक ही चीज समझता है, क्या समझता है, स्ट्रिंग, क्या समझता है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग ही समझेगा, उसी में वो इनपुट लेता है, उसी में वो आउटपुट डिस्प्ले करता है, ठीक है, आया समझ में। जब हम लोग कोई दूसरा डेटा टाइप के वहां से वैल्यू लेते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर एरे ले रहे हैं, ठीक है, क्या ले रहे हैं, कैरेक्टर एरे ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो वो कौन सा डेटा टाइप है, कैरेक्टर है, ठीक है। इंटीजर वैल्यू लेते हैं तो वो कौन सा डेटा टाइप है, इंटीजर है, ठीक है। तो सबके लिए हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं, इंटीजर के लिए होता है परसेंट डी, फ्लोट के लिए होता है परसेंट एफ, ठीक है, डबल के लिए होता है परसेंट एल एफ, ठीक है, कैरेक्टर के लिए होता है परसेंट सी, ठीक है, स्ट्रिंग्स के लिए क्या होगा, परसेंट एस होगा, ठीक है, आया समझ में। और हम लोग को अगर प्रिंट करना है कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन है, प्रिंट एफ फंक्शन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, इसको ध्यान से देखो, ठीक है, ये दो लाइन जानते हैं, ठीक है, आगे हम लोग वॉइड मेन में, सबसे पहले हमने यहाँ पे कैरेक्टर का एरे क्रिएट कर लिया, ठीक है, कैर स्ट्रिंग एस टी आर, ठीक है, और साइज 20, ठीक है, एरे नेम क्या है यहाँ पे, एस टी आर, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक मैसेज को डिस्प्ले किया, एंटर ए स्ट्रिंग, ठीक है, फिर उसके बाद स्कैनएफ दिया। अब यहाँ पे हम लोग एक स्पेशल फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है, कैसा लिखा है यहाँ पे, परसेंट, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर इस टाइप का पावर वाला सिंबल है, फिर स्लैश है, ठीक है। जब इस प्रोग्राम को अभी रन करेंगे तो समझ में आएगा कि क्यों लिखे हैं, ठीक है, थीके? फिर उसके बाद यहाँ पे दे दी एम परसेंट एस टी आर, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रिंट एफ और परसेंट एस, और यहाँ पे एस टी आर को हमने प्रिंट कर दिया, ठीक है, परसेंट एस हम लोग लिखे यहाँ पे और यहाँ पे कुछ और लिखे हैं। अब दोनों में क्या डिफरेंस है जब रन करेंगे तो पता चलेगा, ठीक है, क्लियर। चलो इस प्रोग्राम को हम लोग रन करके देखते हैं, ठीक है, राइट ए प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट ठीक है, हैश इंक्लूड कॉन आईओ डॉट एच, हैश इंक्लूड हैश इंक्लूड एस टी डी आईओ डॉट एच, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को एक कैरेक्टर का एरे बनाना है, बताओ कैसे बनाएंगे, कैर एस टी आर ऑफ साइज मैं दे रहा हूँ 20, ठीक है, चलो 30 हम लोग दे देते हैं मैक्सिमम साइज,
ठीक है, उसके बाद क्या करना है हम लोग को, CLR SCR, क्लियर स्क्रीन लगा देते हैं, फिर उसके बाद प्रिंटर, ठीक है, एंटर नेम ऐसे डाल देता हूं मैं, ठीक है। यहां पे हम लोग स्ट्रिंग को छोड़ के यहां पे नेम लिख देते हैं, इजी रहेगा, ठीक है, एंटर नेम। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, स्कैनएफ, ठीक है। अब स्कैनएफ में हम लोग यहां पे सबसे पहले परसेंट एस लिखते हैं, ठीक है, कॉमा एम परसेंट नेम, ठीक है, और मैं यहां पे प्रिंट एफ लिखता हूं और इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, ठीक है, प्रिंट एफ, ठीक है, परसेंट एस, ठीक है, और यहां पे लिखेंगे नेम इज परसेंट एस कॉमा नेम, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूं स्ट्रिंग 1.c, ठीक है, इसको कर लेते हैं कंपाइल और इसको करते हैं रन, ठीक है। एंटर नेम, किसका नेम डाले, आकांक्षा, ठीक है, आगे क्या है, यादव, ठीक है, एंटर मारूं, क्या आया, यादव कहां गया, चलो फिर से मैं इसको रन करता हूं, ठीक है। अब किसी और का नाम बताओ, क्या नाम है आपका, श्रुति, ठीक है, आगे मौर्य, ठीक है, क्या आया, क्यों आया ऐसा, क्योंकि हम लोग वहां परसेंट एस लिखे हैं। परसेंट एस क्या करता है, जैसे ही वो स्पेस मिलता है उसको, ठीक है, जैसे ही उसको अगर उस कैरेक्टर एरे में एक स्पेस मिलेगा तो उसको वो नल समझता है और उसको एक्सेप्ट कर ही नहीं पाता, उसके बाद वाले जितने कैरेक्टर्स होते हैं उसको डिस्कार्ड कर देता है, हटा देता है, आया समझ में। तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्पेस के पहले वाले कैरेक्टर्स ही स्टोर होंगे, आया समझ में। स्पेस काउंट होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग को सभी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे परसेंट, इस टाइप का ब्रैकेट लगाएंगे, फिर उसके बाद पावर वाला सिंबल लगाएंगे और लिखेंगे /n, ठीक है। इसको लिखने से क्या होगा, पूरा का पूरा कैरेक्टर इनपुट ले लेगा, ठीक है। इसको एक बार कंपाइल करते हैं और रन करके देखते हैं। अब बताओ किसका नाम डालना है, रानी, अनिल, अनिल इक्का, ठीक है, आया, ठीक है। अब जो भी स्ट्रिंग डालोगे यहाँ पे वो दिखाएगा, ठीक है, और कुछ लिखते हैं, क्या लिखें बताओ, ठीक है, आ गया, समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोग फॉर लूप वगैरह यूज नहीं करेंगे, क्यों यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को प्रिंटर और स्कैनर फंक्शन दिया हुआ है पहले से, जो ऑलरेडी स्ट्रिंग में वैल्यू इनपुट लेता है, ठीक है। स्कैनएफ जो है ऑलरेडी स्ट्रिंग में ही इनपुट लेगा, ठीक है, प्रिंटर भी स्ट्रिंग में ही आउटपुट देता है, ठीक है। तो हम लोग को अलग से यहाँ पे फॉर लूप लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम लोग फॉर लूप से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसा नॉर्मल वन डायमेंशनल एरे हम लोग एक्सेस करते हैं, वैसा इसको फॉर लूप से भी एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन क्यों मेहनत करेंगे जब एक लाइन में काम हो रहा है, ठीक है, आया समझ में, चलो इसको लिखो।